करेंगे, पर इनके इलाज करने के लिए टीकाराम जुली यही है। ये पक्ष के नेता हैं तो मैं विपक्ष का नेता हूं, इनको दुरुपयोग तो करने नहीं दूंगा। ये चल रही है, मंत्री ने इस्तीफा देके अपने भाई को टिकट करा लिया, वो इस्तीफा मंजूर नहीं करा पाए अभी तक ये लोग। और साथ ही विधायक इनके कह रहे हैं कि हम जन सुनवाई कहाँ पे, समझता हूँ ऐतिहासिक जो है रिजल्ट राजस्थान के अंदर आएंगे। आज जो 10 महीने का कार्यकाल इस सरकार का है, एक फेल सरकार साबित हो रही है, पर्ची सरकार साबित हो रही है, जो असमंजस की स्थिति में है। मुख्यमंत्री निर्णय नहीं ले पाते हैं, और हकीकत ये है कि न किसी मंत्री की चल रही है, मंत्री ने इस्तीफा देके अपने भाई को टिकट करा लिया, वो इस्तीफा मंजूर नहीं करा पाए अभी तक ये लोग। और साथ ही विधायक इनके कह रहे हैं कि हम जन सुनवाई कहाँ पर जाके करें, तो ये हाल तो इस सरकार के हैं जी आ रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगा कि जब वो 10 महीने पहले यहाँ आए थे, 8 महीने पहले आए थे और ERCP का स्वागत करवा के गए थे, उसके बाद उन्होंने कितना पैसा इस स्कीम के लिए दिया है, जिस हेलीकॉप्टर में बैठ के वो जिस बांध का अवलोकन कर रहे हैं, वो बांध कांग्रेस सरकार ने, हमारे गहलोत सरकार ने बनाया हुआ है। और ERCP का जो प्रोजेक्ट इन लोगों को करना चाहिए था, 10 साल इन्होंने डिले किया। 25 सांसद होते हुए, केंद्र में सरकार होते हुए, राजस्थान का जल शक्ति मंत्री होते हुए, और आज ये एक जनता को गुमराह करने का ये लोग काम कर रहे हैं। जो नींव हमने रख दी, ERCP हमारा प्रोजेक्ट था। मैं मांग करता हूँ, CM से कहना चाहता हूँ कि इसमें राजनीतिक बात दूर करते हुए जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा कराएं और यहाँ की जनता को राहत दें। सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का कैसे करोगे आप? और सरकार है ऐसा कांग्रेस मानती है कि जब सरकार है तो वो दुरुपयोग कर सकते हैं? सरकार है ही नहीं, सरकार जनता के लिए तो है नहीं, और दुरुपयोग के लिए सरकार हाजिर है। अब तक आप देख रहे होंगे यहाँ रामगढ़ के अंदर ही जिस प्रकार से अधिकारियों को अनऑफिशियल हटा दिया गया है, आचार संहिता लागू होने के बाद में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, और जगह भी आचार संहिता लागू होने के बाद में बड़ी बड़ी लिस्टें कर्मचारियों को डराने के लिए कि बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की लिस्टें जारी की गई, फिर उन लिस्टों को आधे घंटे के अंदर कैंसिल किया गया, एक भय पैदा करने के लिए कि अगर आप लोग साथ नहीं लगे तो आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा जाना पड़ेगा। चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करेंगे क्या? ये करेंगे, पर इनके इलाज करने के लिए टीकाराम जुली यही है। ये पक्ष के नेता हैं तो मैं विपक्ष का नेता हूँ, इनको दुरुपयोग तो करने नहीं दूंगा, ये बता देता हूँ। जनता के बीच में जाएं, हाथ जोड़ के जनता से वोट मांगें, जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो रामगढ़ का नेता बनेगा। ऐसी बात सामने आ रही है कि मेवात के जो एरिया उनको खाली कराया जा रहा है, OLX की ठगी के नाम पे छापामारी भी चल रही है। देखिए, अब जिस प्रकार का ये जो एक वातावरण पैदा करेंगे, हमेशा होता आया है, SC की कोई बच्ची से रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर सकते हैं। मैं आज पूछना चाहूँगा, BJP अपना स्टैंड क्लियर करे। जिस BJP ने सिखों को खालिस्तानी बताया था, समर्थक बताया था, आज उस BJP का स्टैंड क्या है ये बताए। जिस BJP ने जाट समाज को हरियाणा के अंदर गालियां दी हैं, आज यहाँ पे उनका स्टैंड क्या है ये मैं पूछना चाहूँगा। BJP अपनी स्थिति क्लियर करे। मैं चाहता हूँ रामगढ़ का चुनाव विकास के नाम पे हो, कैंडिडेट के नाम पे हो। किस कैंडिडेट का क्या विजन है, कौन सा कैंडिडेट अपने इलाके के लिए क्या लड़ाई लड़ना चाहता है, उस आधार पर जनता वोट दे। ये जिस प्रकार की भ्रामक अब मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके पहुँच रहे हैं, इससे पहले भी आए थे, मुझे खुशी होती जिस दिन वो भागीरथ बन के स्वागत करा के गए थे, और आज कोई पानी की शिलान्यास या उद्घाटन करके जाते तो मजा आता।